na. Ya buri buri dance karna. Kabhi shiro ke sang khub khelna. Kabhi choco chips khana na. ऐसा लगता है फैली हर जगह खुशी पर सब खुशी हैप्पी हैप्पी सब लगता है हैप्पी 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 गुब्बारे सब उड़ता है ये हैप्पी 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 चोंच पे चिड़िया के बैठ के हैप्पी 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 हाथों में लिए हम घंटी बादल पे लगाए घंटी खुशियां ही पाओ पाओ एलजी श्रिंप फेस्टिवल एपिसोड है शॉपिंग स्पेशल इसके तहत आपको सामानों पर मिलेगी विशेष छूट सुनो क्या तुमने उस बारे में बात की अभी लाइव शो चल रहा है हम वो बात नहीं कर सकते हैं तुम कभी मेरी कोई बात नहीं सुनते हो तुम ऐसा क्यों करते हो ये दोनों क्या कर रहे हैं तुम भी कभी भी शुरू हो जाती हो तो आइए बताते हैं कि आज स्पेशल क्या है ये है वो चीज ये इसे शिमा से मंगाई गई है मिस्टीरियस बिग श्रिम्प ये है सिर्फ 5,000 रुपए की आप चाहे तो इससे कोई भी डिश बना सकते हैं टेस्टी लग रहा है ये श्रिम्प इतनी बड़ी है कि आप इस श्रिम्प को अपनी पूरी फैमिली के साथ मिलकर खा सकते हैं क्या कहा तुमने फैमिली फैमिली के बारे में तुम बात मत करो तुम्हें कुछ नहीं पता तुम्हें कहा ना इस बारे में हम बाद में बात करेंगे अगर आपने अभी इसे ऑर्डर किया तो आपको एक पर एक फ्री मिलेगी अरे ये तो बहुत ही अच्छी है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा शिनचैन स्पेशल ऑर्डर के तहत जो कस्टमर एक घंटे के अंदर ऑर्डर करेगा उसे एक और फ्री मिलेगी क्या यानी 5,000 रुपए में पूरी तीन है ना ये अमेजिंग ऑफर तुम अमेजिंग ऑफर की बात छोड़ो मेरी बात सुनो ये अमेजिंग ऑफर सिर्फ थोड़े ही टाइम के लिए है तो आप प्लीज जल्दी से कॉल कीजिए तो मैं तुम्हें आज रात को कॉल करूंगी बिल्कुल मत करना तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले हफ्ते स्पेशल ऑफर के साथ लगता है इनके खेत में श्रिम्प उगते हैं मॉम जी बिल्कुल ठीक कहा मैं चाहती हूँ कि श्रिम्प्स की डिलीवरी आप कल सुबह तक जरूर कर दीजिएगा सुनिए डैड आज श्रिम्प फेस्टिवल है हम सब साथ में बनाएंगे अब जल्दी आइएगा ठीक है बेटा मैं जल्दी आ जाऊंगा आज फेस्टिवल के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी कौन आया होगा इस वक्त लगता है कोई श्रिम्प का पार्सल लेकर आया होगा हाँ लगता है डिलीवरी मैन आ गया अरे क्या करूँ पैसे तो कम हैं। कोई है क्या गेट तो खोल दो अरे आती हूँ ऐसा लगता है वो वापस चला गया सर मैं थोड़ा बिजी थी इसलिए दरवाजा खोलने में देर हो गई। प्लीज आप दोपहर तक भेज दीजिए अरे वेल वेलकम बैक मॉम अच्छा तो तुम आ गए श्रिम्प कहाँ पर है वो अभी तक आया नहीं है बेटा क्या हुआ पैसे कम है बेटा 300 रुपए की जरूरत है कहाँ से पूरे करेंगे समझ नहीं आ रहा मैंने कुछ पैसे यहाँ भी रखे थे पता नहीं कहाँ गए 10 रुपए मिल गए यहाँ लगता है इस बॉक्स में तो काफी पैसे होंगे अरे वाह शायद बात बन जाए अरे नहीं सिर्फ 3 रुपए बस 13 रुपए ही मिल पाए अरे नहीं मॉम अब मुझे नहीं लगता कि हम श्रिम्प फेस्टिवल बना पाएंगे अब हम क्या करें शांत हो जाओ मैं बैंक होकर आती हूँ पर तब तक तो डिलीवरी वाला श्रिम्प का पार्सल लेकर आ जाएगा क्या मैं आंटी से ले लूँ लेकिन आंटी से लेती हूँ तो अरे क्या कहा तुम वो डिश बनाने वाली हो वो डिश तो मुझे बहुत पसंद है पिछले हफ्ते ही खाई थी उसके बारे में तो सोच कर ही मुँह में पानी आ गया फिर तो मुझे आंटी को भी देना पड़ेगा
पर डिलीवरी का टाइम तो 3 बजे से 5 बजे तक है। बस वो जल्दी ना आए, मुझे हर हालत में आधे घंटे तक वापस आना ही पड़ेगा। शिनचैन, मैं बैंक जा रही हूँ, अगर डिलीवरी वाला आए तो तुम्हें उसे किसी हालत में रोकना ही होगा। तुम ऐसा कर पाओगे बेटा? हाँ मैम बिल्कुल। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। बाय बाय, फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना। ठीक है, अब मुझे भी अच्छे से तैयार होना होगा। ये है मेरा श्रिम्प फेस्टिवल का कॉस्ट्यूम। अरे वाह, अब शिनचैन एक्शन कामिन की डीवीडी लगाएगा और अब उसे ऑन करेगा। मैं सबके घर की घंटियां बजाऊंगा और सबको बहुत परेशान करूंगा। पिंग पोंग डैश, या पिंग पोंग डैश। अरे नहीं, लगता है ये टीवी से निकलकर हमारे घर भी घंटी बजाने आ गया। फिर से घर पर कोई नहीं है क्या? हैं? तुम बचकर नहीं जा पाओगे, मैं एक्शन कमीन बहुत देखता हूँ, मैं तुम्हें हरा दूंगा। अरे ये तो श्रिम्प डिलीवरी करने आए थे, रुकिए। शिरू, उस डिलीवरी कार का पीछा करो जल्दी। अरे यहाँ तो बहुत भीड़ है। हेलो दीदी, मेरा नाम है शिनचैन। बताइए ना, आपको मेरा ये नया कॉस्ट्यूम कैसा लगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम तो वही बच्चे हो ना जिसने ऑर्डर किया था। तुम्हें पहचानना बहुत ही आसान है। कोई बात नहीं अंकल, आप चाहे तो मेरे घर आकर फिर से घंटी बजा सकते हैं। जल्दी जल्दी, मुझे और जल्दी जाना होगा। अरे नहीं, काम तो और बढ़ गया। अरे ये गाड़ी तो शायद अरे रुकिए प्लीज। क्या तुम्हारी मॉम घर पर नहीं है? अरे हाँ अंकल, मॉम तो घर पर ही नहीं है। तो क्या इस पार्सल के वो पैसे तुम्हें देकर गई हैं? नहीं। तो ठीक है, मैं कल आता हूँ। हाँ, अंकल आपको तो पता है ना कि मैं श्रिम्प बना हूँ, तो आप मेरे हाथ में ये पैकेट रख सकती हैं। वो तो ठीक है, पर मुझे और भी जगह जाना है। अरे अंकल, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, इंतजार का फल मीठा होता है, थोड़ा इंतजार कीजिए ना प्लीज। नहीं नहीं, मैं अभी चलता हूँ, कल आऊँगा। बच जाइए। हाँ छोड़ो मुझे। बच जाइए अंकल, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, प्लीज बच जाइए। मैंने तुम्हें बताया ना, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कैसे दे दूँ? जब मैं बड़ा होकर जॉब करूँगा तो मैं आपके श्रिम्प के पैसे आपको दे दूँगा। आप मेरा यकीन कीजिए प्लीज अंकल, मुझे श्रिम्प दीजिए। अरे कोई है जो मेरी मदद करे, इस बच्चे को संभालो। क्या यहाँ पर क्या हो रहा है? ये लो। हाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बचा लिया। हाँ मैं आ गई। अरे मामा कहाँ रह गई थी? आपको पता है मैंने कितनी मेहनत करी एक श्रिम्प लाने में। हाँ? लेकिन पैसे किसने दिए? इन प्यारी सी आंटी ने दिए थे। हाँ? कोई बात नहीं, पैसे देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। अरे अरे शुक्रिया की क्या बात है। श्रिम्प फेस्टिवल आप सबको मुबारक हो। हाँ क्या कहा, तुम वो डिश बनाने वाली हो, वो मुझे बहुत पसंद है। पिछले हफ्ते ही मैंने वो रेस्टोरेंट में खाई थी, उसके बारे में सोचते ही मुंह में पानी आ गया। अगर आपको इतनी ही पसंद है तो आप हमारे घर आकर खा सकती हैं आंटी। अरे इसकी क्या जरूरत है, पर अगर आप कहती हैं तो मैं जरूर आऊंगी। आखिरकार मुझे आंटी को वो डिश खिलानी ही पड़ेगी। गुरु 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 गुरु। आई चंकु, शॉपिंग पर जाना है। मैंने यहाँ आप सबको आज एक सीक्रेट मिशन के लिए बुलाया है। मिस आई आज शॉपिंग के लिए जाएंगी। है? क्या तुम पहले कभी अकेले शॉपिंग पर नहीं गई हो? नहीं तो उसमें क्या करना होता है? इसमें आपको जो भी चाहिए वो सामान खरीदना होता है, ये सभी बच्चों को आता है और मैं तो शॉपिंग पर अक्सर जाती रहती हूँ। तो
तुम सब ने भी अकेले शॉपिंग की है? जानती हो आईचान, कभी कभी मॉम मुझे ट्यूशन से लौटते वक्त दूध लाने को कहती है। कल मेरी मॉम ने भी मुझे रिसाइकल बैग खरीदने के लिए भेजा था। मैंने बेडशीट ली थी। और तुम शिनचैन? मुझे शॉपिंग करना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन तुम शॉपिंग करते ही कहो, तुमने तो कहा था कि तुम शीरो को भेजते हो। शुक्रिया, शीरो टैलेंटेड है ना। तुम क्यों खुश हो रहे हो? सुनो, ये बहुत ही आसान है, तुम्हें भी करना चाहिए। मैं भी अकेले शॉपिंग पर जाऊंगी। बस यही वजह है। ये खतरनाक हो सकता है, क्या आप उसे रोक नहीं सकते? मिसाई, प्लीज मेरी बात सुनिए, ये खतरनाक हो सकता है। आप सुतोमे फैमिली की राजकुमारी हैं। आपको कहीं कुछ हो गया तो मैं शॉपिंग पर जाऊंगी। तो सब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें उनकी हिफाजत करनी होगी। हाँ ठीक है। तो फिर ठीक है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि मिसाई सुरक्षित जाएं और शॉपिंग करके सुरक्षित लौटें। इस मिशन का नाम है प्रोजेक्ट आई। तो हमें खबर मिली है कि डिनर में आज मिक्स वेज बनने वाली है, जिसके लिए मिसाई को हो सकता है कि प्याज की जरूरत हो और उसे वो खरीदने के लिए शॉपिंग सेंटर जाएंगी। शॉपिंग सेंटर जाने के कई सारे रास्ते हैं, जिनमें से मेन रास्ते ये है। इनमें से वो कोई भी रास्ता अपनी मर्जी से चुन सकती है। तो हमारा काम ये है कि हमें स्टाफ बनकर वहाँ रहना है और रास्ते पर भी चप्पे चप्पे पर नजर रखनी है, समझे सब लोग? मिसाई, प्लीज अपने साथ इसे ले जाइए, इसमें शहर का मैप भी है, साथ में पर्स और सामान की लिस्ट भी। समझ गई, लेकिन मेरे पीछे मत आना प्लीज। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। सब लोग तैयार हो जाओ। यहाँ पर सब ठीक है? हाँ बॉस, मैंने रास्ते से सारी रुकावटें हटा दी है। यहाँ भी बिल्कुल ठीक है। शायद इसी तरफ जाना है। वाओ शिनचैन! हेलो, मैं तो ऐसे ही घूम रहे थे। क्या ऐसे ही घूम रहे थे? अच्छा, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे ना? बोलो। ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? तुम कहाँ जा रहे हो शिनचैन? शॉपिंग के लिए, लेकिन मेरे साथ कोई जाने के लिए था ही नहीं, मैं अकेले ही आ गया हूँ। अरे वाह, मैं भी शॉपिंग के लिए अकेले ही जा रही थी। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे शॉपिंग पे? लेकिन मुझे अकेले रहना पसंद है आईचैन। लेकिन अब हम साथ जाएंगे। ये क्या हो रहा है? अरे शिनचैन, हमें जहाँ से शॉपिंग करनी है वो जगह इस तरफ है। मैं जहाँ से रोज शॉपिंग करता हूँ आज भी मैं वहीं से करूँगा। तो बहुत अच्छे हो शिनचैन, शॉपिंग के बारे में तो तुम्हें सब कुछ पता है। चलो इसी तरफ चलते हैं। अरे ये क्या, सुनो प्लान बदल गया है। शहर में जितनी भी सब्जी की दुकान है उनका पता लगाओ जल्दी। हमें 16 दुकानें मिली है। समझने के लिए और मदद करने के लिए शुक्रिया। वेजिटेबल शॉप 1, हाँ मैं तैयार हूँ। मैं शॉप नंबर 2 पर हूँ सर। हाँ ठीक है, तुम अपनी पोजीशन संभालो। अरे नहीं, तो शॉपिंग लिस्ट है। अरे नहीं, हे स्नाइपर। हाँ सब्जियाँ, अच्छी अच्छी सब्जियाँ, ताज़ा सब्जियाँ ले लो। ये क्या? शिनचैन, तुम उस दुकान पर क्यों नहीं गए? मैंने इसलिए वहाँ से कुछ नहीं खरीदा क्योंकि मुझे वहाँ की बैंगन बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तुम यहाँ से जाओ। ठीक है। इतनी देर हो गई चलते हुए, मिसाई कहाँ जा रही है? आइए।
अरे ये कौन सी दुकान है? सुनिए, क्या आपके पास बैंगन है? हाँ, बैंगन? क्या तुम बैंगन लेने आए हो? मुझे बैंगन का भट्टा खाना है, डिस्काउंट दीजिए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें जरूर डिस्काउंट दूंगा। अगर सच कहूँ तो ये बहुत ज्यादा महंगे हैं। अरे ये तो देखने में कितने टेस्टी लग रहे हैं, सर खाने में कितने टेस्टी होंगे। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या खाना है और तुम क्या खरीदोगे। लेकिन मैं वो खरीदूंगा। हाँ, वो तो बैंगन से भी महंगा है। अगर मैं तुम्हें शिमला मिर्च दूँ तो ये खाओगे? बिल्कुल नहीं। अच्छा माफ करना, अगर तुम्हें टमाटर दूँ तो? मेरी शर्ट से मैचिंग है। ये लो तुम्हारा सामान। आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बेटे। अरे वाह शिनचैन, तुम्हें तो शॉपिंग करनी भी आती है, मुझे तुमसे सीखना चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए प्यारी बच्ची? मुझे क्या चाहिए, अरे मैं तो भूल ही गई। मिसाई, याद करने की कोशिश करो। मेरी शॉपिंग लिस्ट कहाँ गई? लिस्ट तो उड़ गई, आप याद करने की कोशिश करो। पता है इस मौसम में सोयाबीन और बंद गोभी खाना चाहिए। क्या तुम लोगी? तुमने सही कहा, इस मौसम में ये दोनों चीजें अच्छी होती हैं। लेकिन आज घर पे डिनर में जो बन रहा है उसमें शायद सोयाबीन्स की जरूरत नहीं होती। अच्छा अच्छा, तो ये बात है, तो तुम्हें नूडल्स खरीदने की जरूरत है। तुमने बिल्कुल सही पहचाना, मुझे नूडल्स खरीदने की जरूरत है। अंकल आप प्लीज मुझे नूडल्स दे देंगे? क्या कहा, नूडल्स? बेटा नूडल्स मेरे पास नहीं है। अब मैं क्या करूं? अब कोई रास्ता नहीं बचा। सुनो सब, अब प्लान बी होगा। वहाँ पर डिस्काउंट में सब्जियाँ मिल रही थी। हाँ, बहुत ही अच्छी सब्जियाँ थी, एकदम सस्ती। हाँ, डिस्काउंट में हरी प्याज। हाँ, बहुत ही अच्छी हरी प्याज। हाँ, मुझे भी तो हरी प्याज चाहिए। हाँ, ये लो बेटा हरी प्याज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। पैसे? लेकिन मेरे पास तो आपको देने के लिए पैसे नहीं है। हाँ, क्या कहा, पैसे नहीं है? फिर तो आपको हरी प्याज नहीं दे सकता। मिसाई, आपके बैग में पर्स है। हाँ? देखो शायद इस पर्स में हो। हाँ? ये मेरे पास कहाँ से आए? अरे वाह, ये लो तुम्हारे 300 रुपए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे वाह, तुमने शॉपिंग कर ली। क्या इसे ही शॉपिंग कहते हैं? बहुत बढ़िया मिसाई, आज आप बड़ी हो गई, आपने अकेले शॉपिंग की। मिसाई मुबारक हो, आज आपने पहली बार अकेले शॉपिंग की है। आपका शुक्रिया, और मैं फिर से शिनचैन के साथ शॉपिंग पे जाना चाहती हूँ। हे हे हे।